और अब कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, जिससे अंदाजा लगता है कि भारी बारिश और बाढ़ ने देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में किस कदर कहर बरपाया है। नदी के तेज प्रवाह ने अपने किनारों की जमीन को ऐसे काटा कि वहां पर बनी एक शानदार कोठी भरभरा कर गिर पड़ी। देखते ही देखते ये शानदार इमारत पानी में समा गई। इस कोठी की जल समाधि हुई है तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के पलारूर नगर में। वो तो गनीमत रही कि ये नौबत आने से पहले ही इस घर को खाली करा लिया गया था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तमिलनाडु में भीषण बारिश के बाद आई बाढ़ ने क्या हाल कर दिया है, ये इन ड्रोन कैमरे की तस्वीरों में साफ दिख रहा है। ये तमिलनाडु के कुड्डालोर शहर की तस्वीरें हैं। जो कि थेनपेन्नई नदी में आई भयानक बाढ़ से जलमग्न हो चुका है। बाढ़ के बीच आंध्र प्रदेश के कडपा जिले में तो बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक सरकारी बस बाढ़ में डूब गई, जिसमें कम से कम 50 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। बारिश और बाढ़ ने सिर्फ दक्षिण में ही कहर नहीं बरपाया, गुजरात के सबसे चमकदार शहरों में शामिल सूरत की तो सूरत ही बिगड़ गई। जगह जगह इतना पानी भरा है कि सड़क पर गाड़ियां डूबी हुई दिख रही हैं। इस बेमौसम बारिश ने नगर निगम के जल निकासी इंतजामों की पोल खोल दी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।